थे कत को जोखिम सहिते जी, नवा जन्म देते तोला दाई कोनो कहिते जी, बाप के पद विद्वान बनाते कैसनो वंगठा छापला, सुख मा दुख मा कभू कहू तुम झनभूला मा बापला, झनभूला मा बापला, झनभूला मा बापला, झनभूला मा बापला। सिरजन करथे पालन करथे कम करथे संतापला, सुख मा दुख मा कभू कहूँ तुम सुख बन जाई, मान जी हाँ हो थे सियान के वो घर हाँ जस बगराही, माँ के ममता दुनिया माँ तुम एके घर बस पाहू जी, बाप के दुखला बाप बने के बाद कहूँ पतिया हूँ जी, ब्रह्मा घलो समझ नहीं पाइस ई कर क्रिया कलापला, सुख मा दुख मा कहू कहू तुम झन भूला मा बापला। ए किशन मोर तुआला दे। नहीं भैया मैं नहीं दूँ, नहीं भैया मैं नहीं दूँ। किशन 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 मोर टावेला दे, किशन किशन मोर टावेला दे, नरम नरम तो टावेल भारी मजा आते भैया, अपन मोर दूसरा टावेल ले लेबे बाबूजी। किशन बाबूजी, किशन मोर टावेल ना करे, कैसे करता रे, अतिक बड़बड़ गए हा और लइका मन असन झगड़ा करत था। देख ले बाबूजी, आज बोला हॉस्टल जाना और मोर टावेल लेके भागत है, जब देखो ऐसे करते मैं नवा नवा कपड़ा लेता हूं, ले भाग जाते। काबर ऐसे करत बे, तो कैसे करो, जब आते तब दोनों भैया मन पर कपड़ा लेतस, मोर बर नहीं लस, इखर मन के कपड़ा नहीं पहनो तो का मन नंगरा घूमो। बहुत जुबान चले लस भर ले तो, चल ओकर तू हाल चुपचाप दे मारी दो। किशन 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 देख वो टावेला दे, मैं बोला तो किशन नहीं दो के हो ना। अरे का हो गए, काबर झगड़ा कर रहा था तुमन, वो टावेल लेके भागत है। ओ किशन, अत का हो गए, तो एज भाई ता है। अरे तै नहीं जानस मां, दूसर के टावेल पहनने में हाइजीनिक हो जाते। हाइजीनिक होते? अरे हाइजीनिक नहीं मां, हाइजीनिक हो जाते, बैक्टीरिया लग जाता, बीमारी हो जाते। भाई भाई के कपड़ा बीमारी होते, भाई भाई मन अलग होते का? अरे तै नहीं जानस मां, कपड़ा तो कपड़ा, सब भाई के खून तक अलग होते। वाह, भाई भाई के खून कैसे अलग हो जाही? भाई भाई के का मां, बाप बेटा के खून तक अलग होते। देख मोर खून है ए पॉजिटिव, ए गधा के खून है ए नेगेटिव, भैया के खून है बी नेगेटिव, और बाबूजी के खून है ए बी नेगेटिव। ए सोहन, ए मल्ला डॉक्टरी बात बात सिखावे, तोला हॉस्टल जाना है कि नहीं, तोला हॉस्टल छोड़े के चक्कर में मोला फैक्ट्री जाए में घलो देर हो जाते। देख ना भैया, मैं तो कब ले तैयार हूँ, ए मोर टावेल लेके भागे थे ना। चल दे बेटा बेल मान दो भैया। ए किशन मोर टावेल लेते, किशन 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 बोलो टावेल लेते। अरे कैसे करते हो, चट्टी नहीं पहने आना तो मैं क्या करूं, छोड़। कैसे करते हो, चट्टी नहीं पहने आना, छोड़, चट्टी नहीं पहने आना। चल 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 उतर रे जल्दी। नहीं भैया अंदर हॉस्टल तक तो छोड़ दे, तोला छोड़े के चक्कर में मैं पहले ही लेट हो गया, चल भाग। सलाम साहब। सुपरवाइजर साहब, मैनेजर साहब आपको बुला रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। राम प्रसाद, ऑफिस में नए नए आए हो फिर भी लेट आते हो। सर वो भाई को हॉस्टल छोड़ने जाना था इसलिए आज आने में लेट हो गया। अच्छा, फैक्ट्री का सारा काम समझ लिया? यस सर। दिन में कितने ट्रक माल बाहर जाता है? सर 10 ट्रक। और एक ट्रक की कीमत क्या? 3 लाख रुपए। सप्ताह में एक ट्रक पार कर दिया जाए और 50,000 तुम्हें दे दिया जाए, क्या ख्याल है राम बाबू? मैं कुछ समझा नहीं सर।
अरे यार मैंने में 2 लाख रुपए कम पड़ रहा राम बाबू। मतलब आप मुझसे चोरी करवाना चाहते हैं? अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। तो मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है सर। कहाँ जाता रे? कॉलेज जाता हूँ। कहाँ कॉलेज जाता बे? जब देखता हूँ पान ठेलम खड़े रहता। पढ़ाई लिखाई तोर बस के नो है बेटा, चल खेत चल, वहाँ बहुत काम है। वाह मैं उखेत जाऊँ? सुन तो वो ये टूरक जेबला देख बे तो साले कहूँ अनसन चीज खाए पी लेती धर ले, 24 घंटा पान ठेलम खड़े रहते। अबे समारू काय वो सामने खड़ा देखा था बे? हाँ देखा था। अब वो छचक दरवाजा देखा था? हाँ देखा था, बंद तो है। तै देखा था 3 तक गिनूं दरवाजा खुल जाए, 1 2 3। वाह बे दाई किन सही में खुल गए रे। अबे तै आगू आगू देखा जा, अब चंदा आही चुंदी ला झटकार ही और सीधा मोरे डाला देखी। तोला तो नहीं देखी बुआ। कहाँ देखी बे, तू मला देख के ला जागे ना। वाह वाह बनवारी, कहूँ तोर और चंदा के कोई चक्कर तो नहीं है? तय मो बोले कमा थे। तय तो कमाल कर देस गुरु, जम्मो गांव के टूरमन जेखर पाचू में है वो तोर चक्कर लगा थे। अतय मो बोले कमा थे। अच्छा आगे साले से नीचे रहा गतर के कैसे बनवारी चंदा काले चल्लीस का रे बोला कर पूछे बे मुखर चौकीदारों का रे। कैसे गोठिया था यार, तो दुकान के आगू मुखर घर है, आज जाते हैं देखा त्रिदस और तोले ज्यादा खर बारे में कौन जाने। फिर मैं एक बात बताऊं? बताऊं? बताना। चंदा काले देगे तोला कैसे मालूम बे? ओकर सहेली बन तू अभी आवा तेरे तो वो बिल का काले चाहिए। ए चंदा कराने। अच्छा अच्छा चंदा तोर सगवारी मन आ गए हो। आगे रे। हाय रे चंदा, मैं आवा था रे। आज नहीं आई थी, अभी आई। कैसे चंदा कॉलेज जाता का हो? नहीं एक कापी किताब लेकर के गोबर थपेला जा। अच्छा तो कॉलेज के स्टैंडर्ड अति खराब हो गए का? जनुहा तुम आज कल गोबर थोपे की ट्रेनिंग दे थे दुर्गा। बड़ बेशरम है, रोज छेड़ थे। रोज का वो तो मतलब बचपन ले छेड़ा थे। तो ओला मना काबर नहीं करस? अरे नहीं रे मतलब मजा आते, आज तक ऐसे छेड़ने वाला नहीं देखे हूँ। रोज रोज नवा नवा स्टाइल में छेड़ते। तो वो तो ना पसंद है का? चल हट। वो कहाँ गांव के सरियल कॉलेज में पढ़ते और मैं शहर के टीम टम कॉलेज में पढ़ता। ओखरो मोर का मुकाबला, मोर पसंद के लड़का तो कार ले आही, सूट पहर के घूम ही, अंग्रेजी में बोल ही और डाइनिंग टेबल में खाना खाही। बड़ाकड़ में गेरी सेलत को भाव नहीं दीज रहे। अरे मोर भाव भी फिक्स का है बेटा, और कोशिश करे भर जा का है, मेहनत करना अपन काम है, फल देना ऊपर वाले काम है। कैसे बेटा झोल तू सही कहा था नहीं? चुप है। ए चल जा बेटा, चूना कत्ता लगा रहे चूना कत्ता। मोर पनहिल लान तो वो हाँ। अधिक तैयार होके कहाँ जावत हो? अरे आज हमार समाज के बैठक है जेमा नवा अध्यक्ष के चुनाव हुई। तो ये दरी तुहार खिलाफ कौन लड़ी? औ कौन, वही साले घेखर हर साल मोर ले हार थे साइकिल वाला गेंद लाल। एकदम पार मना। अरे वो तो आप मन देखते बना रहे हो। औ कौन नहा जाए तैयारी है? वही समाज के बैठक है ना अध्यक्ष के चुनाव पर। अच्छा अच्छा हाँ। 5-6 साल तो हार गिर है। अरे तैयार के बाद ला भैया ले गए यार, ये साल तो बेटा ऐसे गोटी फिट करे हाँ कि पानी बूढ़े नहीं बाचे। ओ साले गणेश राम ला पान ऐसा चबा के लील दू और थूकू घलो नहीं। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो भाइयों शांत हो जाओ, हमार समाज के जम्मो संगवारी हो, जैसे आप मन जानत हो हर साल के जैसे यू साल हमार समाज के अध्यक्ष पद के चुनाव पर 2 उम्मीदवार खड़े हैं, भाई गेंदलाल जी और हर साल के अध्यक्ष भाई गणेश राम जी। ये दोनों मेले आप मल्ला एक झल्ला चुनना है और वो रखे है चुनाव पेटी, आप मन अपन अपन वोट लटा दो। चुनाव के गिनती पूरा हो गए और मोला बतात हुए बहुत खुशी लागत है कि ये साल भाई गणेश राम हा एक वोट ले जीत गए।
बताए थोड़किन गलती हो गए है इधर ही गणेश राम जी नहीं बल्कि भाई गेंदलाल हाँ एक गेंदू भैया ये नारियल लाने हो इधर कहाँ पर हो वो देख वो खड़े है ना हाँ। मुड़ी में फोड़ दे हाँ। भाई गणेश राम जी हाँ नवा अध्यक्ष भाई गेंदलाल जी के पुष्पहार ले स्वागत करी तालिया अबे सर हटायर ये हार के लाइक नहीं हंस दे साले हार के हंस तबोले हार के मोनी गे पहली ले बताए रहते ना तो तोर बात पानी के हार घलो मंगवाई रहता हूँ अरे तय का अपन ही का हार पहनावे रे साले वो मार मार हूँ वो मार मार हूँ तोर जम्मो दांत खलखलाक झर जाही साले ले तेरा पैसा साले मोला ले तेरा पैसा बोले अरे गोबर चोतो मोला गोबर चोथा तोर अति हिम्मत रे अरे तोर करा है काबे साले एक ठन खटारा साइकिल स्टोर अब एक ठन टूरी उहू तोला एक दिन छोड़ के चल दे ही अरे तय मोर का बराबरी कर बेरे तीन तीन टूरा के बाप आओ तीन तीन टूरा के हल्ला काबर करत हो रिहर्सल करत सर कंपटीशन पर अरे आपका रिहर्सल करता हूँ हर साल कॉलेज के नाक कटवाता हूँ देख रहे तो जोर शोर से रिहर्सल करत सर ताकि तो नाक झनकाए मोर का मतलब कॉलेज के नाक झनकाए फालतू बात झनकाओ चलो अपन अपन क्लास में जाओ और ये पीरियड के बाद रिहर्सल करूँ अरे ये पीरियड का बात होकर दूसरा पीरियड चलते पान ठेला मा पान ठेला मा अरे बकवास झनकाओ और चलो अपन अपन क्लास में अबे जल्दी चल तो चंदा का एक टाइम हो गए तोला तो मैं बाद में देखूं बेटा ए बनवारी चंदा के का भी कॉलेज ले अबे मुला टेड़का खबर करा था आगे तो कह देना हाँ नहीं आया तो कह देना अबे पांच छह लगे में सब क्या जाए खबर खबर खोलो कबे हैं मोलो कुछ काम नहीं कबे चलो भाई फालतू आदमी भेड़ मत लगा चलो भाई अबे फालतू आदमी काला बोला था भाई ना बेटा तो बता तो कौन फालतू आदमी है आवाज था ना बेटा रहा था आना बेटा आना फालतू आदमी बोलता था अरे उधर चंदा हुआ तेरे अरे चंदा हुआ तेरे अरे मोर हैंडी ले टेड़का कर दे हो चंदा आगे ये ले कहाँ कुछ रहा था हैंडल टड़का हो गया सीधा कर दे सीधा धर तैयार गणेश राम के बेटा हंसना रे हाँ समझा दे बे तोर बापला कहाँ वो मामूली किसान और मैं कहाँ बिजनेसमैन बड़ खूबसूरत है यार क्या खूबसूरत है बे तोर दुकान पर कट टायर है कट ट्यूब है पर क्या बात है बाबू 100 रुपया दे काबर वो सहेली मन सक पिकनिक पर जावत हूँ ताजा काली दूँ काली काली कर दस पेटर कार दे थस मोर सहेली मन आवत है पैसा जमा करना है अब भी दे ये ले जा हाय काय स्टाइल है काय स्टाइल में तुर बेचा के का बेचा है यार चंदन पूछना कहा पूछो बे कहा जाते पिकनिक में तेला चंदा पिकनिक में कहा जाता तो डेम में जावत हूँ डेम जाते अच्छा तो डेम में जाते काबर पूछा तू पिकनिक में कहा जाते तेला तो खर वापस ना हा? वो तोर बेटी है ना और तोर बेटी जवान है ना तो तुला मालूम होना चाहिए ना तोर बेटी कहाँ थे कहाँ जाते यू बात है यही बात है वो तो आगे बे अरे एमन यहाँ कैसे आए चलो देखता नहीं मन लग किसान अपन कुछ समय इधर आवत है माँ कसम चलो भागो रे अरे कुछ नहीं हुआ बे दूरी मन के रे स्टैंड अप इस तारे तुम नहीं खबर है मछली फंसा है देख ना अभी तक तो कोठन नहीं फंसे भगवान जाने कब फंसी देखते फालतू बात छन कर हमार पहले ले प्रोग्राम रही हटो यहाँ ले खबर हट वो तोला बैठ जा तो गुरु हम जाग बैठ लो ऐसे बात करो जिसे कर बाप की जगह है देखते फालतू मर बाप की बात जन कर तो तोर बात करूं का एकर मन के तो मुंह लगना बेकार है चलो रे यहाँ ले हाय रे पहरे इमा फूल खोज दो कारे तो फिर देर का बात के है धारो खोज दे ए, 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 ए,
चंदा मन होते बोल फूल को दो को मामा तोर होते तोर खोपा मा फूल खोच दो मन तो होते तोर खोपा मा फूल खोच दो मन तो होते तोर खोपा मा फूल खोच दो मन तो होते तोर खोपा मा फूल खोच दो मोर मन होते आखिला तोर नोच दो चालान कहाँ है चालान निकाल चालान चौधरी सर आप आज तो आप छुट्टी पे थे सर डेटा किसका है सर वो चालान कॉपी सर चालान कॉपी निकालो चालान कॉपी सर 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 रजिस्टर में स्टाक की एंट्री कहाँ है सर वो
बिना चालान की ट्रक लेके भाग रहा था सर। पकड़ो इसे। गोदाम में स्टोर कीपर नहीं था? स्टोर कीपर भी इनसे मिला हुआ सर। मैनेजर कहाँ है? उसे तुरंत मेरे पास ले जाओ। सर कहाँ है मैनेजर? मालूम नहीं सर। उसे ढूंढो जल्दी। हाँ सर। इतनी बड़ी चोरी हो रही है, मैनेजर से लेकर स्टोर कीपर गेट कीपर तक आपस में मिले हैं और तुम्हें इसकी खबर तक नहीं? क्या ऐसी बलबूते पर संभालोगे इतना बड़ा बिजनेस? सॉरी पापा। सर। यस। सर मैनेजर भाग गया है, मैंने पुलिस को बुला लिया है। ये सिलसिला कब से चल रहा है? सर मैं ठीक ठाक तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है काफी दिनों से चल रहा है। मैनेजर ने रिश्वत देकर मुझे मिलाने की कोशिश की थी, मुझे तो तभी शक हो गया था। ये बात तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताई? उस वक्त मैं नया नया था सर, फिर बिना सबूत के उस पर इल्जाम लगाता तो आप भी यकीन नहीं करते, इसलिए छुट्टी का नाटक करके आज मैं काम पर आ गया और उनकी चोरी पकड़ी गई। वेरी गुड, मैं तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी से बेहद खुश हूँ। तुम्हें बहुत चोटें लगी हैं, जाओ किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ। राम प्रसाद, कल से तुम इस फैक्ट्री के नए मैनेजर हो। थैंक यू सर। कहाँ जाता है वो? आओ कहाँ जाऊँ? कॉलेज जाता हूँ। ता इसमें कपड़ा मजा है। मैं कब बुराई है? तो लाल सारा नहीं लागे? पूरा पानी उघरा उघरा दिखा था। ते कुछ नहीं जाने समा। पुराने जमाने की बात करता है। आजकल सब इसने कपड़ा पहनते हैं। हे भगवान, आजकल के लड़का मल्ला कौन समझाए? माँ कसम, मोर तू आँखी चुंदिया गिरी। चंदा तो आज सूरज जैसा चमका तेरे। आओ यार, का बताऊं यार, आज तो गांव में पर्ची चल जाएगी गुरु, पर्ची। अरे चुप बैठो तू। पर्ची भाला गदक जमाना गए बेटा, अब तो लादेन के जमाना है, अब तो मिसाइल चली, तोप चली, बारूद चली और गोली चली। हाय रे तोर बाकट। गोरी पहिरो झन बाह कटी चोली, गोरी पहिरो झन बाह कटी चोली। छत्तीसगढ़ है ये, छत्तीसगढ़ है ये, छत्तीसगढ़ है ये, चल जाए धाए धाए गोली। छत्तीसगढ़ है ये, चल जाए धाए धाए गोली। छत्तीसगढ़ है ये, छत्तीसगढ़ है ये, छत्तीसगढ़ है ये, चल जाए धाए धाए गोली। छत्तीसगढ़ है ये, चल जाए धाए धाए गोली। एड़ी के सैंडल मा हिलते कमर, हाँ ऊंचा एड़ी के सैंडल मा हिलते कमर, हकले धड़के है जीरा तोरे चाल पर। I'm not afraid.
चोली गोरी पहिरो झनबाह कटी चोली छत्तीसगढ़ है ये छत्तीसगढ़ है ये छत्तीसगढ़ है ये चल जाही धाए धाए गोली छत्तीसगढ़ है ये चल जाही धाए धाए गोली प्रसाद। अरे सर आप सर मुझे बुला लेते मैं खुद आ जाता। तुम्हारा काम तो ठीक चल रहा है? यस सर। बेटा मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, तुमने तो बेटा मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। थैंक यू सर। तुम्हारे गांव में गेंदलाल जी रहते हैं, उन्हें तुम जानते हो? हाँ सर, लेकिन आप उन्हें? मेरे रिश्तेदार हैं, उनकी पत्नी मेरे मामा की लड़की है। ओ। कल छुट्टी है, तुम मेरे घर आ सकते हो? जी सर। ओके, तुम्हारा वेट करूंगा। जी। कुछ तो हमारे खानदान हमारे स्टेटस का ख्याल कीजिए बाबूजी। पैर की धूल से माथे पर तिलक नहीं लगाया जाता। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं बहू, काजल हमारी लाडली बेटी है। फिर इस बात की क्या गारंटी कि किसी ऊंचे खानदान में उसकी शादी कर देने से वो जीवन भर सुखी रहे? फिर राम में कमी क्या है? पढ़ा लिखा है, हमारे समाज का है, ईमानदार है, शरीफ है, और इससे बड़ी बात वो हमारा नौकर है। काजल को दुख पहुंचाना तो बहुत दूर की बात, वो हमारे सामने सिर उठाकर बात भी नहीं कर सकता। तुम क्या सोचती हो काजल की माँ? देखो जी, हम सबकी खुशी इसी में है कि काजल को एक सच्चा जीवन साथी मिले, लेकिन आप उसकी शादी नहीं सौदेबाजी कर रहे हैं, और सौदेबाजी की नींव पर बने हुए रिश्ते कभी सफल नहीं होते। अगर आपको लगता है कि राम काजल के लिए सही वर है तो उसकी शादी करो और आशीर्वाद देकर विदा करो, कोई सौदा मत करो। अरे भाई, ये सारी बातें बाद में हो जाएंगी, पहले काजल उसे पसंद तो कर ले। आओ बेटा, आओ आओ आओ, मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलाता हूँ। ये है मेरी पत्नी, मेरा बेटा उत्तम जिसे तुम जानते हो, और मेरी बहू सुजाता। नमस्ते। आओ बेटा काजल, ये मेरी बेटी काजल। ये है बेटा मिस्टर राम, हमारे फैक्ट्री मैनेजर हैं, बहुत होनहार लड़का है। बैठो बेटा। सर आपने मुझे किसी काम से बुलाया था? देखो बेटा, मुझे घुमा फिराकर बात करने की आदत तो है नहीं, मैं तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई से बेहद प्रभावित हूँ, और इसीलिए हम तुम्हें अपने परिवार में शामिल करना चाहते हैं। जी? हम अपनी लड़की के लिए अच्छे वर्ग की तलाश कर रहे हैं, काजल के लिए तुमसे अच्छा लड़का और कौन होगा? देखो बेटा, इसे इनका आदेश मत समझना, जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। नहीं माँ जी, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन इस तरह के फैसले बड़े बुजुर्ग ही करते हैं। अच्छा होता एक बार आप मेरे बाबूजी से बात कर लें। हमार तो भाग खुल गए, जौन आप मन जैसन बड़े घर में हमार बेटा के रिश्ता हुआ थे, हमन तो तैयार हन, बस आप मन हुकुम करो। कैसी बात करते हो भाई, हम लड़की वाले हैं, हुकुम तो आपको करना है। दिन और तारीख विचार कर हमें खबर कर देना। जैसन आप मन के मर्जी। तो मैं चलूं? अच्छा। चला चला। गेंदलाल जी नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार गोविंद राम जी, आप मन यहाँ कैसे? काजल को तो आप जानते हो, गणेश राम जी के बड़े बेटे के साथ उसका रिश्ता तय करने आया था। देखकर बेटा के सिवाय आप मन और कोई नहीं मिली सर? क्या बात करते हो भाई, इनका बेटा बड़ा होनहार है। अरे बेटा तो होनहार है, पर बाप तो गवार है होकर का। दो मिनट बार हमरो घर चलो भैया। गणेश राम जी तो हमारे समधी हो गए हैं, आना जाना तो लगा रहेगा, फिर आपके घर आते हैं। अच्छा भाई नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। चलो एक बार गालिम कौन आ रही जी? हमार सगा है। सगा है तो गणेश राम घर काबर आ रही? बतान बता। तोर सगा मन मोर घर काबर आ रही? ले मैं ही बता था, तोर सगा मन मोर बेटा संग अपन बेटी के रिश्ता जोड़े पर आ रही है। अरे मोर घर में कार वाला मन आते, अब ये साले साइकिल वाले टूरी पर साइकिल वाला तक कौन ही आए। साले खटखटा ट्रैक्टर वाले कबू बाप जन्म में गाड़ी देके नहीं रही से। अरे एक संग बड़े जनी गाड़ी ला देख के बक बका गए। अरे मोर बेटी भरता हवाई जहाज वाला मन तैयार बैठे, फिर मैं नहीं लगा तो जान दे लड़का है कैसे। फेंक ले बेटा फेंक ले, हम दोनों बैठे हैं ना लपेटे पर।
मोर सगाए, अबे कैसे सगाए रे तोर, मोर घर तो बिन बुलाए दीने, और तब बुलाए तब बोल तोर घर नहीं गिन। ए किसान। हाँ माँ। एतियाना बेटा। काय माँ? ये दे, ये लगिन पूजा के सामान ला, समधी गरम रा के आ जाबे हैं। ठीक है माँ, अभी बाना भौजिल मिलके घलो आ जाऊंगा। मालकिन, एमन काजल बेटी ससुराल ले आए हैं। अच्छा अच्छा, आओ आओ बेटा, गोवर्धन इनको अंदर लेकर आओ। ये लगिन पूजक सामान है, माँ भेजी से। जीते रहो, बैठो बेटा बैठो। गोवर्धन जी? ये सामान अंदर रख कर आओ, और नाश्ते पानी का इंतजाम भी करना, काजल को यहीं भेज दो। हाँ मालकिन। और बेटा तुम्हारा क्या नाम है? मोर नाम किशन है, राम भी सबले छोटे भाई हो। अच्छा। बरसों के लिए आन भौजिल मिले बर। अरे ये कच्छा लेकर कहां तक जा रहा है? रख यहीं पर। बहू, लगिन का सामान है, अंदर ले जाकर देखो। इसमें देखना क्या है माँ जी, हल्दी चूना ही तो है, कोई खजाना थोड़ी रखा है। अरे कहां जा रहे हो बेटा, नाश्ता आ रहा है। खाए पिए खमला कोई कमी नहीं है, बिहाम आबो तो खवा दू। चल। ऐसे कैसे जा रहे हो, अपनी भाभी से तो मिल लो बेटा। वो बारात लेके आबो तो मिल लेबो, आओ वैसे भी कौन से खजाना लगे हो खच्चरम। चल। चंदा के माँ। ओ चंदा के माँ। का है? ये दे, बिहाव के नेवता है। कहाँ दे? गोविंद राम जी के कर ले। हाय माँ, कतिक सुंदर है, बड़ मजा है काजल दीदी के शादी माँ। बाबूजी कब जाबो बताना। कहीं जरा पीले जाए के काबर काबर का जैसे जानो नहीं, वो गणेश राम मोला फूटी आँखी नहीं सुहाए, और ओकर बेटा संग मराए अपन बेटी के ब्याह ला। का कहल, गोविंद राम और सख फूफू के लड़का है, ओकर बेटी के ब्याह में नहीं जाबो तो कते बुरा मानी, और रिश्तेदारी माता मरनी हरनी बार ब्याह में जाइस ला पड़े। हाँ दीदी, आपने मुझे बुलाया। तुम भी उसी गाँव में रहती हो ना? हाँ दीदी। तब तो तुम किशन को बहुत अच्छे से जानती होगी। किशन? हाँ बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो एक नंबर का लफूट है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। अरे वो चुरपुर वो रही, आज तो भारी बट पटावा था, ऐसे लगा जैसे तरज भी आवाज है। चुप रह, मत मटाबो नहीं तो मूला और माँ के बैठे रहो। ते एक जन नहीं है और बहुत जन है देखो। वाह, एक तो दो तलल के जला देखा मैं, वो गुब्बी के मोरे करावे। चुप रह मैच का, ज्यादा उचक जन तोड़ कर आऊं तो चपका आ जाबे, ते मोला का संभाल पावे। वाह रे चंदेली मछली, देखा मैं तो बड़े बड़े वेलो सार्क मछली संभाल लेता हूँ, और ये किली ना ताजे सब भोजन मड़वा तैयार है, एक के गोब सब भोजन ला निपटा दे। छिदरी बट पे सब चलो रे हले। ए इधर आओ, अंधे हो क्या, तुम्हें कचरे का डिब्बा दिखाई नहीं देता? ते हाथी गवार कहीं के, अपनी झूठी प्लेट उठाओ इस डिब्बे में डालो। नहीं काका, प्लेट ला हाथ छन लगावे, हमन बरतियान ककरो बाप के नौकर नोहन। ए मिस्टर, तमीज से बात करो, एक तो खाने का सऊर नहीं है, ऊपर से बदतमीजी करते हो। अच्छा तो हम अलग खाए के सऊर नहीं है? अरे सही बात तो ये है कि तुम अलग खाए के सऊर नहीं है, बस फेलो सिस्टम रखे हो, बैला भैंसा के बर्दिया संग खाना खवाते हो। अरे अतक तमीज वाले हो तो मांदी बैठा, अपन हाथ से परोस के खवाओ। बहू, ये क्या तमाशा हो रहा है? देखो ना बाबूजी, एक तो जानवरों के जैसे खाते हैं, झूठा पेट कहीं भी फेंक देते हैं, जरा सा मैंने कह क्या दिया, कहते हैं खाना परोस के खिलाओ। अच्छा अब हमन जानवर, अरे कोई खाना हाथ मत लगाओ रे, अब तो यही परोसी तरज खावो। ए किसान चुप, तोला छोटे बड़े के लिहाज है कि नहीं रे? हाँ? चुपचाप खाना खा और बने ढंग ले बर ब्याह वाला निपटन दे। नहीं समझी जी, किशन ठीक कह रहा है, बहू बरातियों को परोस कर खिलाएगी, मैं और इनको खाना परोसूंगी, परोसेगी मेरी जूती। बहू चलो रे, जल्दी जल्दी तोला पतरी लगा। पतरी बने रे, बना भैया। खाना बने रे, बना भैया। अब खाना देने वाली बने रे, अब हूँ बने हो गए भैया। ओम विश्वदेवाच माध्यंतान्यम जन्यासन ओम।
भाभी ठीक तो है ना? जिस घर में पैर घुसाओ तो सिर नहीं घुसता, इतने छोटे से घर में तुम रहोगे कैसे? देख लो पांव छूले बहू, ये तो देवर है। मैं इसके पांव नहीं छूंगी। छू लो काजल, ये यहाँ का रिवाज है। बात रिवाज की नहीं है, ये मुझसे छोटा है, मुझसे बड़ा भी होता ना तो मैं इसके पांव नहीं छूती। जी अतरा, चौथिया के नेंग लेवाया बराबर। अच्छा अच्छा। भाभी रिलैक्स, भाभी तुम फिक्र मत करो, भाभी तुम्हारे इस अपमान का मैं जरूर बदला लूंगी। जीते रहो बेटा। क्यों हंस रहे दामाद बाबू? कुछ नहीं, ये कहता है कि भाभी बहुत सुंदर लग रही है। लो बेटा और खाओ। बस माँ जी बस। अरे बस कैसे, अभी तो शुरुआत है दामाद बाबू। आया हूँ जब से, खाली खा ही तो रहा हूँ। हाँ हाँ, खाओगे नहीं तो खाते पीते करके दामाद कैसे लगोगे? आओ बेटा आओ आओ, बैठो जी। तुम्हारी तो तबीयत खराब लगती है। नहीं पिताजी, ऐसे ही मामूली खांसी है। मामूली? बेटा दवाई वाई ली के नहीं? अरे गोवर्धन तुम क्या देख रहे हो, जाओ साहब के लिए दवाई लेकर आओ। जी अच्छा। नहीं रहने दो पिताजी, मैंने दवाई ले ली है, आप चिंता ना करें। बेटा चिंता की तो बात है, ये जो तुम रोज गांव से फैक्ट्री स्कूटर पे आना जाना करते हो, धूल धक्कड़ खाते हो, ये सब इसी का तो नतीजा है। मेरी एक सलाह मानो बेटा, तुम ये आना जाना बंद कर दो और यहीं पर अपने घर में रहो, छुट्टियों में अपने गांव चले जाया करो। जी कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि तुम्हें मैं अपना घर जवाई बनाने की सोच रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, लेकिन एक बार बाबूजी से पूछना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा, अगर तुम्हारे बाबूजी तुम्हारा भला चाहते होंगे तो वो भी तुम्हें यही सलाह देंगे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? माँ कह रही थी तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं। तुमने अपने बाबूजी से बात की? कैसी बात? पापा ने तुमसे कुछ कहा था ना? वो बातें तो कल भी की जा सकती है काजल। मैं कुछ नहीं जानती, तुम अभी जाके बात करो। कैसी बात करती हो? मेरा मतलब है कैसी बात करती हो, बाबूजी अभी सो रहे होंगे, कल बात कर लेंगे। आज बाबूजी, बाबूजी। हाँ कौन? अरे तै का बात है बेटा? काही नहीं बाबूजी, ऐसे ले तै सुज जा, काली बात कर ले। वो सुन हेतिया, अरे आ रे ले बैठ, ले का बात है बता। काही नहीं बाबूजी, इसने वो काजल के पिताजी हाँ कहा थे इसकी, ले ना काली बात कर ले। वो सोच सोच बता का बात है। वो बाबूजी मोला खांसी हो गए, आपके समधी जी हाँ कहा थ्री से कि अतेक दूर ले अवई चवई में तोर तबियत बिगड़ जाही, तब ता शहर में आकर रही जा, फिर छुट्टी में गांव चल देबे। ता तय का के है? काही नहीं, महू कहीं देव कि मैं बाबूजी ले पूछ के बताऊं। तो ये बात है, चल ठीक है बेटा जा काली बात कर ले। बाबूजी क्या बोले जी? कुछ नहीं कुछ नहीं।
मेरा मतलब है कुछ नहीं। काजल गोवर्धन, गोवर्धन, गोवर्धन चाय लाओ। चाय? अतका भीड़ ले चाय? चाय? मैं ही लेके आवाता हूँ। पर साले कोई देख ली तो कचरा हो जाए। चाय? काखर बर लेगा था भैया? मोरे बर लेता हूँ यार। फिर तो कब चाय नहीं पियास? अरे कब कब पी लेता हूँ यार। चाय? लाया। कैसेट पलट के कारे? अरे वाह, बढ़िया चाय है। किसने बनाई? मैंने बनाई है, मैंने बनाई है। बड़ी अच्छी चाय बनाते हो तुम, कल से तुम ही बनाना। सुनो, मेरी सैंडल टूट गई है, बनवा देना। कहाँ जाता है भैया? दर्जी करा जाता हूँ। और थैली में कहाँ है? ओ मोर कुर्ता चिरा गया यार। कुर्ता चिरा गए। कैसेट सही में पलट गए यार। बहू कहाँ है? वो दिखत नहीं है। हाँ माँ, हमन तो सोचे रहे आज भौजी के हाथ ले खाना खाबो। ले कहीं नहीं होए, नवा नवा बहुरिया है, अभी ले अपन जांगर ला टोड डारे रे। ले तुमन खाओ, मैं बहुरिया ला खाना खावा के आवत हूँ। बहू, आप किससे पूछ के अंदर आ गई? पूछ के? आपको इतना भी नहीं पता कि दूसरों के कमरे में आने से पहले नॉक करके अंदर आना चाहिए? काय ना काय करके बहू? नॉक करके मतलब दरवाजा खटखटा के। माफ कर दे बहू, रोज रोज आए जाए के आदत रही, तेकर से ती गलती हो गई। आगुले मैं कपाट ला खटखटा के आ जाऊं। ये खाना रख दीजिए, खा लूंगी। बहू, ये का बतमीजी है? खाना लकार फेंका था। ये कोई खाना है? ऐसा खाना तो हमारे घर के कुत्ते भी नहीं खाते। हमारे घर में खाना इंसान बर बनते भौजी, कुकुर बर नहीं। और तोला कुकुर वाला खाना अतक पसंद है ना, तकाले तोर बर घर में कुकुर वाला खाना खालो बनजी। ए किशन, ज्यादा पटे पटे झन मार। देख बहू, अन्न के अपमान नहीं करे जाए। तोले खाना पसंद नहीं है ना, तो कर लेते जैसे कहबे तैसे खाना बन जाही। कोई जरूरत नहीं अलग से खाना बनाए के। जौन ले खाना पसंद नहीं है वो अपन बार खुद बना ले। वाह, चाय बनाए तो आवे नहीं, खाना का बनाए। देखो, जमान संभाल कर बात करो। मैं घर में इसलिए नहीं आई कि तुम लोगों के लिए खाना बनाओ। मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। तोर कहे के मतलब का भौजी? माँ हम सब बार खाना बनाते, देखकर मतलब हमार नौकरानी हो गए? वो तुम्हारी क्या है वो तुम लोग जानो, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है भौजी, काबर की हमन तो लाए घर में बिहाव करके लाने हैं। हमन तोला भौजी बोलता अभी मन तोला बेटी कैसे, तब तो पूरा लेना देना है भौजी। देखो, तुम तो मुझसे बात मत करो, मैं तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। देख चाहे झंडे, तय घर के बहुआस तो बहुआसन रहेला सिखेला लागी। ओ तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि कैसे रहते हैं? हाँ, सब सिखेला पड़ी कि काकर से कैसे बात करे जाते, काकर से कैसे व्यवहार करे जाते, सब सिखेला पड़ी। देख भौजी, मैं ये घर के मान मर्यादा ला नहीं भूले हूँ, नहीं तो हाथ उठा ला महुला। किशन, ये सब का हुआ थे? अच्छा, वो तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि तुम्हारे पीठ पे तुम्हारे घर वाले मेरे साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। देख बेटी, देख बेटी, बात ला झनबड़ा, ऐसे छोटे मोटे बात तो हर घर में होते थे बेटी। ये कोई छोटी मोटी बात है? सिर्फ थप्पड़ मारना ही बाकी रह गया था, बाकी सब कुछ तो कर लिया था आप लोगों ने। देख किशन, तै सच सच बता, का करे हो तुम्हारा अपन भौजी संग? मोरले का पूछा था, एकरले पूछना का करे? ओकरले का पूछ रहा है? अभी एक दिन नहीं होया ओले घर में आए, मैं तोला अच्छा से जानत हूं, तै कुछ करे होबे। वाह भैया वाह, एक दिन में भौजी की तरफदारी कर ले भैया। हमर जिंदगी भर के मया ऊपर भौजी के एक दिन का प्यार भारी पड़ गए भैया। बिना जाने सुने तोर हिम्मत कैसे होइस अपन भाई ऊपर हाथ उठाए के? ये काम तो आप मन ना करना रहिस बाबूजी, अतका देर लिए अपन भौजी संग बदतमीजी करते, और आप मन खड़े खड़े तमाशा देखा तो? तमाशा कौन करत है,
ये ला छोड़, तमाशा काबर होते तेला मैं अच्छा से जानता हूँ। बेटा तोला ये घर छोड़ के जाना है ना, तो जा, लेकिन जाए के बहाना मत खोज। ये अपन कैसे बात करते हो राम के बाबू? चुप रह, तोला कुछ नहीं मालूम। ये तोर बेइज्जती करीस मैं चुप रहे हूँ, मोर बेइज्जती करीस मैं चुप रहे हूँ, अपन दोनों देवर के बेइज्जती करीस मैं चुप रहे हूँ, लेकिन ये बिना गलती के अपन भाई ऊपर हाथ उठा दे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सका हूँ। बेटा तोला रात के बात याद है ना, तय मोला पूछे कि तोला तोर ससुर घर जमाई बनाना चाहते, तब मैं कहे हूँ कि तय का जवाब दे, तय बोले कि बाबूजी ला पूछ के बताऊं। अरे मैं तब भी समझ गए हूँ कि तोर मन में खोट है, नहीं तो तोला मोर उधले की जरूरत नहीं पड़ती, तय खुद दे होकर मुंह में जवाब दे देते। अब तोला जाना है ना, तो प्रेम से जा, जा। लेकिन मोर एक बात याद रख बे, घर जवाई के हालत धोबी के कुकुर ले बदतर होते। अब तो ये लोगों ने आपको कुत्ता भी कह दिया, तो भी खड़े हुए हैं आप, पता नहीं कैसे मर जाए। काजल, बने गुरगुट्टी सोने हो, नवा बहू लाने हो, हाँ। सब अच्छा है ना? वाह, कैसे बात कर दस गेंदलाल, काबर अच्छा नहीं होई? अरे मोर बहुत तो लाखों में, एक है लाखों में। अरे नहीं नहीं, हमार गांव में एक जन करोड़ों माला रही से, अरे मर्सिडीज में पर ले आए रही से, और स्कूटर में सर ले भाग गए। तन सुनात कौन लहज पे पोकर रही? तै चौबस साले फोसवा करेला सुनाना का वे, समझदार बड़ी इशारा काफी होते। कैसे रे गुलगुट्टी? हाँ। अरे मनखेल कमाए खाए बार चहर जाल पड़ते कि नहीं, एक हर मतलब ये नहीं होए कि कोनो अपन माँ बाप ला भुला जाही। अब घटिया आदमी मन के का है, घटिया बात सोची ही कैसे जी गुनगुट्टी? हाँ। साले बड़ा घमंड रही से, मोर तीन तीन बेटा है, अरे अभी एक जन तो छोड़ के चल दी से भूस ले, अब सारा आकर निकल के फूस ले, अब सारा गांव जाना थे। कैसे रे गुनगुट्टी? अरे चुप, जे काम करे बर जाना है वहाँ जाओ ना मोर बाप, जाओ। दौलत मैं बाद में देखू रे। अबे तेरे मुलाकात दे भी साले मैं जानो बे। राम देखो ना मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। राम क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ नहीं, वो सोहन के बारे में सोच रहा था, उसकी कॉलेज की फीस, हॉस्टल की फीस सब मैं ही जमा करता था ना, इस साल उसका फाइनल ईयर है और एग्जाम की फीस जमा करने का आखिरी दिन है, सोहन भी तो हॉस्टल में रहता है, पता नहीं बाबूजी को याद भी होगा कि नहीं। छोड़ो भी, जो तुम्हारे बारे में नहीं सोचते उनके बारे में सोच के क्यों परेशान हो रहे हो? देखो ना मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। बिल्कुल उस मेनका की तरह जिसने विश्वामित्र का सत्यानाश कर दिया था। सोहन, तू चल, मैं आता हूं। ओके। का बात है भैया? ये ले तोर फीस के पैसा। राहन दे भैया, एक हर जरूरत नहीं है। काबर? अरे फीस नहीं पटावे तो एग्जाम कैसे देवे?
तका होई भैया, ज्यादा से ज्यादा मोर एक साल खराब होई ना हो अंधे, और वैसे भी तोर पैसा ला हाथ लगाना मोर भर पाप है भैया। वाह बेटा, ओकर पैसा लौटा के तह मोर माल ला राख ले, मोर छाती जुड़ा गे रे। मोर जियत ले तोला कोनो चिंता करे के जरूरत नहीं है, एला राख। सत्यानाश हो तोर, दिखा तीन का तुमला। हाँ माला दिखते, फिर गिल्ली नहीं दिखे, नहीं तो साइड ले कटवार के लिए निकल जाती है। अरे गिल्ली नहीं दिखे तो तुम्हारा की फूट के है। माँ कसम मोर आखी फूट जाती तब भी कटवा जाती चंदा, गिल्ली से सीधा तोरे चुपर झपाता। झपाए के बहुत शौक है ना, तो मोर बाप करा जा और मोर हाथ लमांग के देख, तब मानू ते कतिक बड़ हीरो है। ठीक है, कल ठीक 12 बजे मैं तोर घर आऊ अकेला नहीं, पूरा बारात लेके और तोर बाप ले तोर हाथ लमांग के घर दिखाऊ। अरे जा जा, बहुत देखिए तोर जैसे ढोंगिया, चलो रे। ए चंदा, कल आऊ ठीक 12 बजे। अबे का बार आयो? मांगे बार आयो। का मांगे बार? पहले तो ये बता देबे कि नहीं। अबे पहले तय बताना का मांगेला। मांगू ना तो तोला जुड़ धर ली, फड़फड़ा गिर जाबे हिमरन। अबे मांगता तो जल्दी मांग, तो भाग ले ले। मांगो? हाँ। देबे? आओ। सही में? अबे पहले तय बताना का मांगेला। चंदा मांगे लाए हूं। साले तो हिम्मत कैसे होई मोर बेटीला माने के हिम्मत? अरे कैसे करता चाहता, मैं तोर बेटी मांगे छोड़िया, चल दूर। मैं तो होली के चंदा मांगे ला। होली के चंदा? अच्छा अच्छा, पर अभी होली कहाँ है? चंदा दे दे, होली खलो हो जी, कहते रे। अबे मैं कोई चंदा उंदा नहीं दो, चल भागे ले। मैं चंदा लेकर आई हूँ। अबे साले ये उंगली कौन था दिखाता है? मैं तोला चंदा नहीं दो कह दो। मैं चंदा लेकर आई हूँ। चल मित्री, मौ कसम बनवारी भाई, मोला यकीन नहीं होते रे। अरे मोला देख के कद जबा जब स्माइल पे किस रे। अबे चल बे, धोखा होई सोई तोला बे। ओ मोला देख के हंसी से बेटा मोला। अरे तोला देख के पर तो कूदिया गलो नहीं देखी रे। स्माइल के बात कराते। अरे पहली बेर मोला देख के आजीज रे, आजीज ये नहीं जानता तेरे यहाँ पचीज रे, यहाँ पचीज रे। मैं क्या करो एट टूरी मैं तो लापर व्यक्त कर दूँ। मैं तोला
कसवो, किशन तोला अपन रिजल्ट के बारे में कुछ बताइस का? आहा, कुछ नहीं बताए है, नहीं निकले हो ही रिजल्ट हा। वाह, ओकर संगवारी मन तो मिठाई बांटा थे, कहाँ है टूरा? कैसे रे, तो रिजल्ट निकल के बे? हाँ। तो का होइस रे? होना का है, फेल हो गयो। वाह रे साले, फेल हो गए तेला कैसे बता थे देख तो? तहमा का बात है, तो पूछो तो बता दे। ये दे, मोर लौड़ी कहाँ है वो? अरे मोर लौड़ी दे बे। अरे रुक रुक साले, नहीं तो आज तो चमड़ी लुथेड़ दे। अरे तेरी मेरी फेल होता और मोला टेस्ट दिखा देता तो साले नहीं तो कैसे करता देखना तू हिम्मत देखा तेरे यही देखा चक्कर मत तो हर साल फेल होता साले नहीं लेने को भागता हूँ का बाद में घर जाके मार ले मैं ना हर साल फेल होता तो पढ़ता काबर पे हैं ना अंगर में बैलक जगह तोला फांदू और अपन संग दूसर के खेतला घालो जोत दू बाबूजी बाबूजी मैं पास हो गया बाबूजी मैं पूरा कॉलेज में फर्स्ट आया बाबूजी ए राम के दाई का है का हो गए अरे दे सोहन पास हो गए पूरा कॉलेज में फर्स्ट आया है आई हाँ बेटा हाँ माँ अरे राम के दाई अपना देख बे देख मैं का करता हूँ अब गांव में एक ठन बड़े जनिक दुकान खोलूं जेमा बड़े बड़े अक्षर में मोर बेटा के नाम लिखा रही डॉक्टर सोहन प्रसाद MBBS नहीं बाबूजी ओमा कुछ फायदा नहीं है काबर रे आजकल हर गाँव में चार चार ठन दुकान मोर मतलब प्राइवेट क्लिनिक खुल गए है बाबूजी अब मार कंपटीशन के एक उठा नहीं चला थे तब का सरकारी अस्पताल में नौकरी कर बेकारे नहीं बाबूजी ओकरो कहाँ चांस है आजकल बेरोजगारी अटका बढ़ गए है कि पहली ले हजारों डॉक्टर ठेला घूमत है तो मोला कहाँ मिल ही तैं प्राइवेट में नहीं कर रहा हूँ कैथस सरकारी में नहीं कर रहा हूँ कैथस तही बता तो इरादा का है मैं फॉरेन जाऊँ बाबूजी कोई जरूरत नहीं है वहाँ कहाँ तक दूर है फॉरेन जाबे ये तो कौन जमाने की बात कर रहा था माँ अरे अभी बैठू हवाई जहाज में तो छह घंटा में फॉरेन मोर बात ला समझो बाबूजी हर MBBS पढ़ाइया के सपना होते कि ओकर डिग्री के आगे एक फॉरेन के डिग्री लग जाए वो बड़ा भगवान होते बाबूजी जिन ऐसे मौका मिलते वो मौका मोला मिले है बाबूजी तो तुमन काबर मोर सपना तोड़ना चाहता हो तोला ऐसे लगते हमन तोर सपना तोड़े चाहतन तो ठीक है मैं तोला फॉरेन भेजू तो हमन कैसे गुठियाल धर ले हो राम के बाबू कहां आपका दूल्हा भेजू टुराला एक तो यहाँ के पढ़ाई में हक खा गए हो फिर वहाँ के आपका खर्चा कैसे उठाओ तय चिंता झन करबो पोस्ट ऑफिस में जतिक पैसा जमा है सब ला निकाल लू और नहीं पूरी तो ट्रैक्टर ला घलो बेच दू लेकिन एला फॉरेन भेज के रहू एला भाई तोर पैसा चल रे अच्छा भाई जय राम 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 कैसे करत हस माँ मैं हमेशा पर थोड़ी जाता हूँ पढ़ाई पूरा करके वापस लौट आऊँ ना मैं तो फारन के कैसे कैसे कहानी सुने हो यहाँ के टूरा मन वहाँ जाते और अंते तंते चीज ला खाए पियल धर लेते देख सोहन ते मोर कसम खा वहाँ जाके ते दारू वारू जन पियल धर ले बे मोर ऊपर भरोसा नहीं है माँ ले मैं तोर कसम खाता हूँ मैं दारू ला हाथ भी नहीं लगाऊ ते मोर एक ठनऊ कसम खा वहाँ जाके ते कोनो मेम साहब इन संग बिहाव जन कर ले बे हाँ माँ मैं तोर कसम खाता हूँ विदेश में बिहाव नहीं कराऊ चल भैया चल बहुत देरी हो गई चल टाइम हो तो जल्दी चल हाँ किशन अच्छा माँ चला था ले कहीं नहीं हो बेटा तो कि ना भेज जा मूर्ति अरे तुम अल्लाह जाए बर है कि नहीं देर हो गए थे हाँ बाबूजी सोहन बेटा अरे जल्दी चलो रे बस छूट जाए Which institute, sir? Medical Research Institute. आपका
दिस इज द रूम। $300 पर मंथ देना पाऊंगा। $300? 13,000 रुपए? अबे ये इंडिया नहीं है, रुपए में मत गिन, इसे सस्ता तुझे कहीं नहीं मिलेगा। और मंथ एडवांस देना पाऊंगा, समझे के नहीं समझे? छेती दस मुंडिया, तेनो रूम पसंद है के नहीं पसंद? मेरा किटी पार्टी जाने का टाइम हो गया है। इट्स ओके आंटी, इट्स ओके, ओके। यू कांट मेक फूड हियर। मैं तोनू इंडियन लोकां नू अच्छी तरह जान दिया, तुसी तां बेडरूम नू भी किचन बना के रख देंदे हो। कोई शोर शराबा नहीं चाहिए, नो आउटसाइडर्स अलाउड, नो लेट कमिंग, नो फोन कॉल्स, और घर के टेलीफोन को तो तुम हाथ भी मत लगाना, समझे? अरे भाभी, ये लड़का कोई लफड़ा तो नहीं करेगा ना? अरे आंटी तुम टेंशन काय को लेता? अबे क्या कर रहा था तू? कर क्या रहा था तू? चल। व्हाट सोनी, कितनी बार क्या कर स्केटिंग ना करे अगर? मामा प्लीज डोंट स्टार्ट इट अगेन। इससे सस्ता अगर तुझे यहाँ पर कहीं भी नहीं मिलेगा। देख कॉलेज भी तेरा नजदीक है तो टेंशन ले क्यों रहा है यार? तू समझता नहीं यार, टेंशन वो नहीं है मेरे को। मिसेज आंटा की बेटी है, साली का चीज है यार, तेरी तो है शेफ बेटा। शट अप यार। माँ, बाबूजी। अरे काय रे, अति गुहार कापर पारा थक बे। ये तो सोहन भैया के पार्सल है, पार्सल। पार्सल है? अरे देखत कहा, खोल ना बे। खोला तो ना तो खोल ना। अरे ये चिट्ठी खा लो। पढ़ना बेटा पढ़ना, काली के है। पूज्य बाबूजी प्रणाम। माला चरण छू के प्रणाम। और किसन ला प्यार। आगे समाचार ये है कि यहाँ मैं बढ़िया ले सेटल हो गया। पेंगेश में कमरा घलो मिल गए। बाबूजी तोर बार इम्पोर्टेड बंडी भेजा था। और माँ बार चप्पल भेजा था। लेना वो पहर के दिखाना। तादे गंदा हो जाए, मोर बेटा भेजे है। ये तय का बड़ा टग्गे पे आगु पढ़। बाबूजी प्रणाम, माला चरण छुके प्रणाम। हाँ और फिर उहिल पढ़ा था आगु पढ़ आगु। किशन ला नवा नवा कपड़ा पहरे के, पहर के बहुत मटमटाए सौखे, ओकरे से तेरे खरबार एक नवा शर्ट और टोपी भेजा था। पहली पढ़। बाकी सब कुशल मंगल है, पढ़ाई खत्म होते मैं गांव वापस आ जाऊं। मां के ख्याल रखूं। आपके मंजला बेटा सोहन। अरे कहां जात बे? मड़ई देखल जात हूं। मड़ई बाद में जाबे, पहली चिट्ठी ले घाव पर। इल के पर पढूं, मोरो मड़ई में खन एकदम इंपोर्टेंट काम है। हाय भाई, गोविंदा ला देख कितने सुंदर दिखते। तार दे तो गोविंदा ला, मोला तो ऋतिक पसंद है। ए भैया, एक ठन ऋतिक के फोटो देना का? अरे एक ठन मोरो फोटो लगा ले, वो ऋतिक ले मैं कोनो कम का। ये दे आगे भेंद्रासन दातला नहीं पोरते और ऋतिक पर हो गई थी। अरे घोज मां के देख, ऋतिक ला कलो बुला जावे। देख देख ते मोर हाथ ला छोड़। लिखा ही नहीं होए, लिखा ही नहीं होए चंदा, थकुन धरन देना चंदा। हंसी मजाक बहुत हो गए चंदा। आज मैं तोर से बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। वो भगवान ला हाजिर नाजिर जान के कहा तो चंदा, मैं तोर से भक्कम प्यार करता हूं। देख किशन, बहुत हो गए, आज महू तो लाइक थन सच्ची बात कहा था। बात हंसी मजाक तक नहीं से तब तक ठीक रही। अब एकर ले आगे बढ़ के कोशिश जान कर, तोर और मोर बराबरी का है। ते कहां देहाती गंवार लोफर ठुरा, जबकि मोर पसंद है मोटर बंगला, हाई सोसाइटी और अंग्रेजी बोलने वाला जीवन साथी। ते मोर ख्याल ला छोड़ दे, तोर मोर मेल कभी नहीं हो सके। Super.
नहीं नहीं माने ले तोर पीछू परे हो मोर माया नहीं जाने बारा मोहल्ला सब जन मानी फिर तही नहीं माने मन के बात बतायो तब हो मन के बात बतायो तब हो समझते आने ताने वो मोरे जिनकी वजह घोरे वो बेनी वाली मोरे दिल ला रहता के ले तोरे वो बेनी वाली तंदोरे वो बेनी वाली मोरे दिलारा टाकले टोरे वो बेनी वाली मुला सुमाज चिभोरे वो बेनी वाली जोरे गैठले काबर छोरे वो बेनी वाली मोरे तय तक दीर लफोरे वो बेनी वाली मोरे जिनके मजहर घोरे वो बेनी वाली मोरे में छलता है तंदोरे वो बेनी वाली होगे टूरा बिहा के का हरे चंदा तोर अंग्रेजी तो मोर प्यार के फांदा हो गए रे कैसे यार बनवारी आज तो कमाल हो गए चंदा के जम्मो सहेली मन आ गए है और किशन की आता पता नहीं है भाई अरे कहां ले आई काली पड़े ना मरे तबीयत से चंदा चटारा परे हो साले कुन मेर पटिया है अब बता बेटा चंदा कौन संगवारी किशन के बनवारी बनवारी ये तो आगे का यार किशन माँ कसम बेसर भी खत होते भाई काली मड़ई मत एक बेचती हुई तबले नीचे से यार अरे चुप बे अमा खोइला प्यार मोहब्बत में का इज्जत और का बेइज्जती बे उम्मीद पे दुनिया कायम है बेटा आ हेलो चंदा हाउ डू 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 कॉलेज गोइंग सब बने बने फाइन हो सोने कम होन यार Have it. No thanks. What do you mean thanks? It's just a beer. तो क्या हुआ सोनी तुम नहीं जानती यार मैंने अपनी माँ को प्रॉमिस किया है कि शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा सोहन तुम हर बात के बीच में अपने माँ बाप को क्यों लेके आते हो तुम नहीं समझो कि सोनी मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना उस एहसान का बदला मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा Tell me something, सोहन अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद तुम यहाँ मेरे साथ रहना पसंद करोगे या गांव चले जाओगे Of course, यार अपने गांव वापस चला जाऊंगा क्या मुझे छोड़कर देखो सोनी मैं अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ वो मेरी पसंद से इनकार नहीं करेंगी और फिर मैं शादी के पहले उनकी इजाजत भी तो लूंगा फिर मैं तुम्हें भी गाँव लेकर चलूंगा तुम भी साथ चलोगी फिर हम वही शादी करेंगे सोहन, I can't. मैं तुम्हारे साथ उस सरियल गांव में जाके नहीं रह सकती तो तुम्हें क्या लगता है सोनी मैं अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ रहूंगा तुम्हारे साथ Why not? देखो सोनी
अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम्हें मेरे साथ मेरे गांव चलना ही पड़ेगा, उसी सड़ियल गांव में जहां मैं पैदा हुआ हूं। आई नो ऑल दीज ब्लडी इंडियंस, मौज मजा करने के लिए इन्हें गोरी मेम चाहिए, और शादी की बात करो तो मैं अपनी माँ से पूछूंगा। आप क्यों रो रही हो? जब मैंने मना किया था तो कह रही थी मम्मा वो मुझसे बहुत प्यार करता है, यही रहेगा, नौकरी करेगा और हमारा खर्चा भी उठाएगा। तुझे तो पता है ना मुझे पार्टीज का कितना शौक है, मुझे ड्रिंक्स का कितना शौक है, पर तुम्हारे पापा से डाइवोर्स के बाद तो हमारी जिंदगी तबाह हो गई। पार्टीज तो दूर की बात, ड्रिंक्स तक के लाने पड़ गए। सोचा था लड़का ब्रिलियंट है, अच्छी नौकरी करेगा, अच्छा कमाएगा तो हम ऐश करेंगे। अब ऐश तो वो करके जाएगा तेरे साथ, और तू हाथ मलती रहना। मामा प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो कि वो यही रुक जाए। अब तो उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, किसी भी तरह से उसके माँ बाप के प्यार का भूत उसके दिलो दिमाग से उतर जाए। चंदा के माँ कहाँ हो गए? ये देख चट्टी के नेता है। कहाँ घर घर ले? गोविंद राम जी के घर ले, राम के टूरा हुए। हाँ? सुने हाँ, राम अपन बाप ला नेतन नहीं दे। का बोलता जी? सच बोलत हूँ, जाता और साले गोबर गणेश के खबर लेके आता। कैसे रे गुनगुट्टी, तला नेता मिला है कि नहीं? का कर नेता? अरे छट्टी के नेता। का कर छट्टी? अरे गोविंद राम गरनाती हो। गोविंद राम गरनाती? अबे राम के टूरा हो से। आए? कैसे जी, ते आतका देर ले मोर बाजूम बैठे हाँ, और बताए ता कोने की तोर यहाँ नाती हो है? अरे पता हो इतना न बताई, गोविंद राम इसलिए बड़े आदमी नहीं हो गएगा, वो आदमी ला चिंते कौन बुलाए के लायक है आ कौन नहीं। ये देख मोला नेवता दे। आपे ते गला दे। ये दे। अरे मा तो कल एक तारीख है। हाँ। कैसे नालायक बेटा है साले, अपन बाप ला घलो नहीं पूछिस, कहाँ जाता जीता है? अरे जान दे ओला, पोता हो इसे गांव भर मिठाई बाटी। हाँ। अपन काम है ओला। हाँ। मिर्ची खा। का बात है? का बात है का, ता दादी बन गया राम के टूरा होए। ते माते गुस्साए की का बात है, ये तो खुशी की बात है जी। खुशी की बात है ता जा ना, जा गांव भर में मिठाई बांट। काली छट्टी है, हमला खबर तक नहीं है, बारा पड़ोसी मल्ला नेता दे है। ले काहे नहीं होए जी, चलो नाती के मुल्ला देख के आ जाता। कोई जरूरत नहीं आ जाके, अति बेइज्जती कम है का जे माऊ जावे वहां नाक कटाए बर। इतना प्यारा बच्चा है ना, बिल्कुल अपने मामा पे गया है। जाता, ये अपनी नानी पे गया है। नहीं, ये बिल्कुल अपने नाना पे गया है ना, इसकी नाक देखो, बिल्कुल अपने नाना जैसी है। नहीं, ये बिल्कुल अपने दादा पर गया है, सर से लेकर पैर तक बिल्कुल अपने दादा पर। देखो तो शादी के एक साल में बच्चा भी हो गया, और ये सुजाता को देखो, शादी को 4 साल हो गए और अब तक बांझ की बांझ। अरे लिपस्टिक लगा के मटक मटक के चलने से कुछ नहीं होता। अब इस राम को ही देखो, कल तक इस फैक्ट्री का नौकर था, फिर घर जवाई हो गया, और अब तो बच्चा भी हो गया। अब यही बच्चा आगे चल के इस खानदान का वारिस होगा, और इस सुजाता की हालत होगी कुत्तों जैसी। अरे चंदा तय, अच्छा हो गया तय मिल गए। एक ठन बात बताए पर कब ले मरा था? बताना रे का बात है? तोला तो मालूम है, ए साल हमारे कॉलेज में इंटर कॉलेज डांस कॉम्पिटिशन होता है। ओमा तो और किशन घलो पार्टिसिपेट करत है। किशन? वो तो ए गांव के सड़हा कॉलेज में पढ़ते। का होइस, अपन कॉलेज हले वो जाते। अरे हट, वहाँ तो बड़े बड़े कॉलेज के एक से एक डांसर मनाते, किशन के तो बैंड बजी। ओखर कॉलेज के स्टैंडर्ड तो प्राइमरी स्कूल के स्टैंडर्ड से घलो घटिया है। का के है? हमर कॉलेज के स्टैंडर्ड है प्राइमरी स्कूल के स्टैंडर्ड ले भी घटिया है। अरे अब तो मैं प्राइमरी स्कूल के लड़का मन लेके आऊँ, और कंपटीशन ला जीत के ना दिखाओ ना तो मोर नाम किशन नहीं, अंडरस्टैंड? नवा बैला के नवा सिंह, चल रे बैला तिंगे तिंग। के आखिरी कंपटीटर शासकीय महाविद्यालय गुरूर के छात्र मिस्टर किशन। हाय बेबी, हाउ डू डू?
करो का करो हो गए तोर से यार I'm sorry Gokin sorry Alva sorry Jauha sorry रिजल्ट्स आ चुके हैं। आज के कंपटीशन के विजेता रहे हैं शासकीय महाविद्यालय गुरूर के छात्र मिस्टर किशन। सर एक मिनट, आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद जिन आप मन हमर मन के प्रोग्राम ला पसंद करे हो और ये इनाम के हकदार समझे। फिर एक बात मैं कहना चाहता हूं, दुनिया में कोनो कलाकार बड़े या छोटे नहीं हो, चाहे वो प्राइमरी स्टैंडर्ड के हो चाहे कॉलेज के स्टैंडर्ड के, और वैसे है दुनिया में कोनो बोली या भाषा बड़े या छोटे नहीं हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ी हो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, बड़े होते तो दिल और दिल बड़े रखना चाहिए। मोर बात कोनो ला बुरा लगा तो ही ना, I'm sorry। एक ठिन गुलाबड़ी दे यार। राम राम बनवारी। अरे का बताओ यार बनवारी भाई, काली तक किसान है स्टेज में तहलका मचा दी रहीस। गांव के जम्मो टूरी मन ओकर जलवल देख के बहा गिर रहीन, और गुरु चंदा के तो पूछ मत, एकदम मुहागे ओकर ऊपर। का बात करथस बे गौकिन बे, चल बे। अगर इसे होतीस ना तो किशन चंदा लाइन मारे पर पहली ले मेले खड़ी रहतीस। वाह, अब बोला लाइन मारे का जरूरत है यार, अब तो दोनों जन के डायरेक्ट कनेक्शन हो गए हो ही। अरे देखा था किशन हा नहीं दिखते तो चंदा कैसे छटपट आवत है। चंदा ला देख, किशन नहीं दिखते तो कैसे फड़फड़ा थे। अब किशन का बराई काली देखियो नहीं, कॉलेज में कैसे टूरी मनो खर ऊपर जपाए परत रहे। हाँ रे, अब किशन ला का जरूरत है एकर आगू पाछू किंजरे के। अब लगिस तीर निशाना मा, बहुत तड़पाए हसबो, अब मोर बारी है। अपन उमेद्रित भाई चंदा मोरो जी की के पूरा गांव डिग मार रहे हो ब्याह करू की के, ये साले किसान ना बीच में काल टांगड़ा दी साले यार। अरे यार बनवारी, तय दारू पिए के बाद ना बिल्कुल गोलिया असन रोयला धर लेता से यार। तय फिकर झन कर, ईमान से एक बार तय बोल के देख, उठवा लूं ओला। ये सोच के प्यास करवा तो। अरे का खाक पिया था खवा था यार, जुच्चा मिक्चर आओ ये मुर्रा। अरे तो रहते एक बार काम करे यार, है एक कुकरा ना तो कटवा। अधिक रात के कुकरा का हाल कटवाऊ यार। अरे तय नोट निकाल, कुकरा का आदमी कटवा दे वो आदमी। हाँ अरे एक पत्ती से का होई यार, दूठन पत्ती निकाल ना है। अरे निकाल यार, मैं निकाल में निकाल। अब अतेक प्यार से तेहा कुकरा मंगवा थस है, तब देसी दारू ला पिया बे। अरे कर तो दू चार ठन चिपटी मंगवाबो कैसे है। देसी दारू ला पी पी के मुंह कोचरा गए है। तू मन तो मोर पांटे लाल पिक पा दूते से लगते भाई। अबे रांदे रांदे तोर पांटे ला कमाई में अच्छी तरह जानता हूं। अरे कलवा जलिया और बाजी तेकर पनामा ले आवे। आज भिड़ी पीएम मजा नहीं आते साले। पनामा पनामा पीऊ कह रही थे तो पर दुकान ले ले आ रही थे भाई। अरे तय चिंता जानकर। ओ दे बनवारी, तोर चंदाला लालच है। सुकालू भाई, मोला तो पट्टा लगा थी यार। अरे तही इतने डर में तो कैसे काम चली यार। अरे नहीं यार चंदा, मोर बारे में का सोची यार, मैं तो अगर नजर गिर जाऊं। दारूक नजम बोल रहे हो तुम सही पे कर दे। देख बनवारी, ते हां नाटक झनकर। अरे अतिक मेहनत से तोर बार चंदाला उठा के लाने आन, तै तो हमीला फसो देबे। ए दे बोल हम ले आन। मोला माफ कर दे चंदा, मने मन तो लपोट प्यार कर दे, तेकर सीधी गलती कट रहे। वाह रे बनवारी, तूरी उठाए पर तो बड़ सौक रही है। जा चूड़ी पहन ले जा। चंदा ए मोला थप्पड़ मारे, मैं तो ते हाथ जोड़ के माफी मांगियो ना, ते मोला नवाज समझ के आज तो मैं तोला कह
नहीं मुंह दिखा के काबिल भी नहीं रखूं। बहुत खराब है। अबे टूरी ऊपर काजो रज माथा दम है तो दो दो हाथ कर ले मोर से। मार रे साले ला। साले छोल्टू आज मैं तुला अतकम मारूं कि आगूले ना ऊ बोलवे ना पाछू लपू। जय बजरंग बली। Ha ha ha!
कुछ और दिन मानो जी मोर कहना रहा दे मई के माँ कुछ और दिन मानो जी मोर कहना राम राम काका। राम राम। इधर तोर बेटा की चिट्ठी। लेन तही पढ़ के सुना दे बेटा। अरे हाँ हाँ। राम के दाई सोहन के चिट्ठी आए वो। आदरणीय बाबूजी, औ माला चरण छुके प्रणाम औ किसनला प्यार। ऐसे तो मैं यहाँ कुशल मंगल ले हाँ। मोर पढ़ाई घलोक बने चला थे लेकिन पैसा के दिक्कत हो गए है। यहाँ के खर्चा ला तो आप जानते हो और एग्जाम के फीस घलो जमा करना है। आपला तकलीफ तो हो ही, फिर कैसनो करके 40-50 हजार के इंतजाम करके जल्दी से जल्दी भिजवा दो। बाकी सब ठीक है। आपके मंजला बेटा सोहन। एले काका ला। ये टूरक पैसा मंगाई में तो हक खा गया। हम वो हर महीना पैसा भेजते छा, फिर ये महीना 50 हजार मांगा थे।
कहां लाना होती पैसा? मैं तो पहले समझा रहा हूँ, झन भेजो टूराला। पोस्ट ऑफिस के खाता जो छा गए, डायरेक्टर पहले बेचा गए, अब कब खेत खार ला बेचू? धार आम के दाई, अब तो इसमें करेल पड़ी। कैसे बात करत हो जी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गए? अरे खेत खार ला बेचू तो परलोक में पुरखा मन ला काम दिखाओ। तब का टूरक पढ़ाई बीच में बोर्ड मुड़ला मुड़वाना है तो उस तरह का डराना। ले रे गणेश भाई, नाप जोक तो पूरा हो गए, अब तुम देख लो। अब देखना का है जी बनवारी, पैसा ला भिच्चे दे देते तब बने रहतीस बेटा। अब पैसा कहाँ भगत काका, जमीन के रजिस्ट्री करवा ले, पैसा घलो दे दू। चल चलो, तै तो बढ़िया मजा मारते है बनवारी, नहर तीर के जमीन तोला औने पौने रेट में मिल गया। अरे तै देखा तरा सुकालू है, किसान होकर परिवार ला मैं कटोरा पकड़ा के सड़क में ना लाता हूँ, मोरो नाम बनवारी नहीं। किसका लेटर है? सोहन का है, लगता है गांव से आया है। मामा सोहन आ गया क्या कॉलेज से? हाँ ऊपर अपने कमरे में है। अच्छा मैं उसे ये लेटर लेके आती हूँ। अरे मामा क्या कर रही हो? 50,000 रुपया उसके बाप ने पैसा भेजा है। मामा कर क्या रही हो तुम? मामा तुम ये क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना सोहन कितने दिनों से इन पैसों का इंतजार कर रहा है। तुम चाहती हो सोहन अपने गाँव न जाए यही रहे? तो चाहती हूँ। तो फिर मैं जो करती हूँ मुझे चुपचाप करने दो। राम राम काका। चुल्हम जाए तो राम राम। कैसे कहा गणेश भाई? कैसे कहा, घेरी बेरी टूरल पैसा भेजा था तो ऑफिस के चक्कर लगा था, यही झकमारीत करा था। अब चिट्ठी पत्री आ जाए में थोड़ा टाइम तो लगतेगा गणेश भाई। वाह, एक महीना है तोर बार थोड़ा टाइम होते का? एक महीना हो गए तोर चिट्ठी नहीं पहुँचे? अरे इसने तो तुम्हारे डिपार्टमेंट आए छठी में भेज बे तो मरनी मिलते। यहाँ मर मर के खेत खा ला बेच के मैं टूरल पैसा भेजा था और ये दे टूरा है चिट्ठी भेजे है पैसा मिले च नहीं कहके। गणेश भाई मैं तो चिट्ठी के पता लगा उखर का हो। अरे हो ही का, तोर पता लगा ले तुरक परीक्षा निकल जाही। मोरे करम फूटा है साले, जा था हूं खेत ला बेचल परहित बेच दू। ये देखा गणेश भाई, ये खेत बेचा एक बार तोर कर 2 एकड़ खेत है बाछी। 2 एकड़ जमीन बचा काराक बे काका, यूल बे डर ले बेटा। यही हाल रही तो एको दिन सब बेचा जाए। 50,000 इसके बाप ने फिर पैसा भेजा? एक्सक्यूज मी आंटी, आंटी मेरा कोई लेटर आया क्या? लेटर नहीं तो क्या बताऊं आंटी, कल फीस जमा करने की लास्ट डेट है, मैं बाबूजी को लेटर पे लेटर भेज रहा हूँ, पैसे भेजना तो दूर जवाब तक नहीं भेज रहे। प्लीज डोंट माइंड, मैंने नहीं लगता कि वो पैसे वैसे भेजेंगे। नहीं आंटी, मुझे लगता है बाबूजी जरूर किसी प्रॉब्लम में होंगे। तू अजीब बच्चा है, तेनू नहीं पता कि दुनिया की नहीं मतलब ये। कैसी बात कर रही है आंटी आप मेरे माँ बाप को नहीं जानती। अच्छा ये बता, तेरे माँ बाप तेरे को विदेश भेजने को राजी थे? नहीं लेकिन 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 कुछ नहीं है, उन्हें ये डर रहा होगा पता नहीं तुम गांव वापस आओगे या नहीं आओगे। पहले उन्हें डर था और अब तो उन्हें पक्का यकीन हो गया होगा, तो भले तुम पे पैसे क्यों लौटाएंगे। डोंट फॉरगेट माई चाइल्ड, जो पेड़ फल नहीं देता लोग उसमें पानी तक नहीं डालते। डोंट वरी पुत्र, मैं दियांगी तेनू पैसे। हाँ तेरे माँ बाप पैसे भेजन चाहे ना भेजन, तू एग्जाम जरूर देगा। लफड़ पीले सारा टेंशन दूर हो जाएगा। पीले पीले मैं तेनू दुखी नहीं देख सकती पुत्र, पी जा। देख सुमन ते हो जाके दारू और उजन पील धर लेबे। मोर ऊपर भरोसा नहीं है माँ, ले मैं तोर कसम खाता हूँ मैं वहां दारूला हाथ देने लगा हूँ। का हो गया राम के दाई? मुर्जी खबरावत है, बड़ बड़ा सपना देखे हो, मुला सोहन की चिंता हो थे जी। अरे ही चिंता में तुम मोला नींद नहीं आए, वो पहली तो हर 15 दिन में ओखर एको ना एको चिट्ठी आ जाए, अब 6 महीना हो गए ओकर चिट्ठी के दर्शन नहीं होते। एक ठन चिट्ठी और डार के देखो ना। अरे कत्तेक चिट्ठी डारा वो एको ठन के जवाब तो दे नहीं। मोला तो लागथे टूरा के लौटे के इरादा नहीं है। कैसे बात करो थे जी आप, मोर मन कथे मोर सोहन जरूर लौटी। मैं कुछ कही वो मोला लागते यू टूरा हाथ से निकल गए। अरे परीक्षा तो कबले खत्म हो गए है, फिर ओकर कुछ अता पता नहीं है, आही कि नहीं आही पता नहीं, काय करा थे टूरा। ते
ते मोर एक ठनौ कसम खा वहां जाके ते कोनो मेम साहब इन संग बिहाव जन कर ले पे। हाँ माँ मैं तोर कसम खाता हूँ विदेश में बिहाव नहीं कराऊ। भैया इस साल चुनाव में खड़ा नहीं होता इसका। अरे खड़ा होए के लायक नहीं था ना खड़ा हुई विधरा हो गया विधरा। विधरा हो गए हैं कैसे जी? ओला का पूछता जरा घुनघुट्टी मोला पूछ मैं बताता हूँ। एकर टूरा है अपन संगवारी ला चिट्ठी में लिखे कि मोर यहाँ नौकरी लग गए आओ बिहाव तक कर डरे आए आओ यू लिखे कि फारन मामा सेटल हो गए हूँ। ये सेटल काय होते जी? अरे सेटल मतलब वही सटक के। बाबू गांव लौट के नहीं आए। अरे बड़ घमंड रही से मोर तीन तीन बेटा है तीन तीन। अरे तीन तीन बेटा के ने राम के कौड़ी के ना काम के। Stop it! Stop it, I say! Sohan? Chalo tum! Sohan! ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? अरे बदतमीजी तो तुम कर रही हो। यहाँ तुम्हारी बेटी बड़ी रो रही है और तुम्हें वहाँ नाचने गाने से फुर्सत नहीं है। तो क्या करूँ? दिन रात इसे गले लगाकर प्यार करूँ? बच्चे पालने के लिए मैंने तुमसे शादी नहीं की सोहर। अरे बच्चे को संभाल नहीं सकती तो एक आया क्यों नहीं रख लेती? ए इंडिया नहीं है ऐसे नौकर इतनी आसानी से नहीं मिलते। तुझे कितनी बार कहा है कि गांव से अपनी माँ को यहाँ बुला लो। बच्चे के साथ साथ घर को भी संभालेगी। पर तुम मेरी बात सुनो तब ना। माँ बाबूजी ये तो सोनिया की चिट्ठी आए। बाबूजी ये तो सोहन भी एक चिट्ठी। अबे जल्दी पढ़ना का बात है तेला लिखे हुई। आदरणीय बाबूजी जी उम्मा चरण छुके प्रणाम किसन ला प्यार आप मन ला जान के खुशी हुई कि आप मन दादा बन गए हो। आप मन के बहुत याद आते और माला देखे के बहुत मन करत है। माला भेज दू तपन नतनिन के मूल देख ली ओखर टिकट पर 20,000 के ड्राफ्ट घलो भेजत हूँ। मोर टेलीफोन नंबर नीचे लिखा है। माँ के आए के खबर कर दू तो मैं माला लेबर एयरपोर्ट पहुंच जाऊं। आपके बेटा सोहन। हेलो हु स्पीकिंग? साले अंग्रेज के औलाद तोर बाप बोला था। बाबूजी चुप रहे। साले तोर नौकरी लगी था हमारी याद नहीं आई। ब्याह करे था हमारी याद नहीं आई। अब लड़का हो एक बात हमारी याद आते तह सुन ले तोला ये बताया पर फोन करे हाँ तह एयरपोर्ट जाना पे तोर दाई नहीं आते। ये तोर मैके नो है भानु प्रतापपुर फारेन है फारेन वहाँ अकेला कैसे जावे वो? तो मैं कहे अभी हवाई जहाज में बैठू तो 6 घंटा में फारेन। अति आसान नो है पहली पासपोर्ट बनाल पर ही फिर यहाँ रायपुर जाबो रायपुर ले रेलगाड़ी में बैठबो बम्बई जाबो तब तहाँ हवाई जहाज में बैठबे। मैं जाना तो मुला मुला नाती मल्ला मिले नहीं देस बड़का के होइस वो नहीं जान देस मजला के होए तो वो नहीं जान देता। आहा ऐसे कहा थे जैसे मैं अपन नाती मन के दुश्मन आ। कैसे समझाऊं डोकरी ला नाती मन के मोह में कर मतिच फिर के। मम्मी ये मेरी माँ है। हाँ हाँ ठीक है। माँ ये मेरी सास है। हाय दही किसी तो नहीं बरोबर दिखते है। कहाँ माँ? कुछ नहीं बेटा। चल माँ आ अंदर आ। माँ ये तो बहू है सोनी मेरी माँ। ओह हाय बहू कैसे टूरा संग बिहाव कर डरे करे? नहीं माँ वो जिसी से क्या बोला इन्होंने? कुछ नहीं कुछ नहीं। ओके ओके डार्लिंग आई एम गोइंग फॉर बास्केटबॉल मैच आई विल कैच यू लेटर। अपने मामा को उनका रूम दिखा दो। बाय सी या मामा बाय बाय। माँ चल माँ अपन नातिल मिल ले। डोंट टच सोहन अपनी माँ को समझा दो।
बच्चे को छूने से पहले हाथ तो धो ले। ओ माँ तैं समझ गयो बेटा, अतिक दुरहाले आए हो, हाथ गुड़ में धुरा माटी लागे हो ही, अतिक उज्जर लड़का महिला जाही नहीं, मैं हाथ कती डहार धोऊं बेटा। चल माँ मैं तुला बाथरूम दिखाता हूँ, चल। ए बुढ़िया, ये कुछ गंदे कपड़े हैं धो देना, तुम्हें वॉशिंग मशीन चलानी आती है? काय मशीन? ओहो, लगता है इस इडियट को सब काम मुझे ही सिखाना पड़ेगा। सोनी, सोनी, बुढ़िया, ए बुढ़िया, कहोगे? यहाँ ये कूड़ा कचरा किसने जमा किया? कूड़ा कचरा नो है, पूजा के सामान है। एक घर में कहीं जो भगवान के फोटो नहीं रही, ते देकर पूजा पर बनाया हूँ। बड़ी आई पूजा पाठ करने वाली, मेरा सारा घर गंदा करके रख दिया, हटाओ ये सब यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है? तुम ही देखो क्या कर दिया तुम्हारी माँ ने, पूरा घर गंदा करके रख दिया है। अगर पूजा करने का इतना ही शौक है तो किसी मंदिर में जाए, घर को मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। ते कैसे कर था माँ, आपसे बिना पूछो कोई काम छन कर दे। ते नाराज छन हो बेटा, नहाए के बाद मोर पूजा करे की आदत है, यहाँ कोनो डहर भगवान नहीं दिखिस, तो घर ले फोटो लाने रहे हो, तेला मढ़ा दे, मैं ये ला पेटी में रखू, मुझे पूजा कर ले हो बेटा, ते गुस्सा चलो, ते गुस्सा चलो, ते गुस्सा चलो। हेलो 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 हेलो, मैं इंडियल बोला था, एसटीडी आईएसडी पीसीओल करा था, बिल बढ़ा दी बोला। सोहन तो घर पे नहीं है, आप कौन बोल रहे हैं? मैं सोहन के फादर बोला था, सोहन के दाई, सोहन के मम्मी है का? वो भी नहीं है, तुम्हारा बेटा उसे घुमाने ले गया। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कौन बोला था? हाँ हाँ, मैं सोनी की मम्मी बोल रही हूँ। अच्छा, ताता मोर समदिन बोला था का? वो व्हाट समदिन? ओके बाय। हाय, हेलो हेलो हेलो, राग दिस काते आए या ताय कान में काबर उंगली डारे हस जी? आए अबे ताय कान में काबर उंगली डारे हस बे, ते अतेक चिल्ला के काबर बात करता हस या पई हनी? तो तोला मालूम नहीं का फॉरेन बात करत रहे हो? फॉरेन धीरे बात करूं, तू वहां तक आवाज कैसे जाइबे? ले 150 रुपए हुई ऐसे मोर समझिन ता है, बतात रही से सोहन अपन दाइल घुमाए पर ले गए, मैं यहाँ फोकट चिंता करा था और डोकरी हम वहाँ मजा करा थे। ए बुढ़िया इधर आना, पहले कभी इसे देखा नहीं, कौन है ये? नौकरानी है। नौकरानी? कितने पैसे देती हो? पैसे वैसे कुछ नहीं, खाने कपड़े पर है। हेलो जी, अरे यार मुझे भी ऐसी बुढ़िया दिला दे। ट्राई करूंगी ट्राई करूंगी। ए तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है, उधर जा। दिला देना यार ऐसी बुढ़िया, एहसान मानूंगी। हेलो, जल्दी सोहन के दाइल बुलाओ भाई, बहुत दिन हो गए बात नहीं करे हम। ये तो राम के दाई की आवाज जिसे लागत है। राम के दाई? तोला कहा होगे राम के दाई? बहुत का पर हंसो? यू इडियट, फोन करना आता नहीं तो उठाते क्यों है? सारा श्रिंक गिरा दिया, इतने महंगे ग्लास तोड़ दिए, जाहिल गवार कहेंगे? अब रोती क्या है? साफ कौन करेगा तेरा बाप? अब समझ गई हूँ, अपन दाइला अकेला काबर बलाई, सब समझ गई। ये तो टोकरा एक एकड़ ना छोड़ के सब बोला बेच दे। अरे तै फिकर छन कर सुकालू, एक दिन हुल बेच दे रही। दू घाव तो अपन लड़का के पढ़ाई बर जमीन ल बेचे, ये दरी काबर बेचत हस? हाँ
फारेन जाए बर। अरे फारेन काबर जाथस कका? पाछू जन्ममा कोनो पाप करे रे एला छूटे बर जाथा हूं। बाबूजी दुर्दाई कहां है रे? बाबूजी वो बाबूजी हटे बाबूजी 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 मायावती तोर अति कौकाट चेन मा तोला अपन कोख ले जन्म दिस उही ला अपन घर के नौकरानी बना डरे। बाबूजी आप गलत समझा तो बाबूजी मैं तो माला तुहर नातिन के देखभाल करे बर ला रहा हूं बाबूजी। चुप रे तैमोला सिखो बरे दुर्दाई है तीन तीन लड़का ला जन्म दे के अकेला पालिस पोसिस कभू बुलाइस अपन दाई ला एक झंटूरी का पैदा कर डारे गांव ले अपन दाई ला बुला के नौकरानी बना डारे। अरे लड़का ला पाले पोसे नहीं सकाओ तो पैदा काबर करता पे। बाबूजी मोर का कर बाप रे मर गए तोर बाप जा तोर दाई का सामान ला लेके आ। बाबूजी मोर बात तो सुनो। चल वो तोर सामान कहाँ है तेला चोर। बाबूजी एक गांव पर नातिन के मूला तो देख लो बाबूजी। चल बे कौन बाप कौन बेटा हूँ काकर नातिन चलो। पुत भले हो जाही महतारी के माया पार जैसे गंगा के निर्मल जल दाई दादा के माया गुलार। सात जन्म कमती हो जाही नहीं उतरे दूध के कर्जा बाप त्यागे अपन सुखला कहाँ चुकावे तय हर जा तय हृदय मा हाथ मढ़ा के पूछना अपन आपला सुख माँ दुख माँ कबू कहो तुम चल भोला माँ बापला चल भोला माँ बापला चल भोला माँ बापला चल भोला माँ बापला। माँ बाबूजी राहन दे कोई जरूरत नहीं है चल हटी हाले। बाबूजी ज्यादा माया झन दिखा बेटा अच्छा से जान था तुम्हार नाटकला। अरे तुम्हार जैसी औलाद ले कुकुर पालना अच्छा होते कुकुर काटे के इलाज होते लेकिन तुम्हार जैसी औलाद काटे के कोई इलाज नहीं हो। बाबूजी लगा हो गए माँ बात बात में बोला गारी देते कुछ पूछता तो बोला दुदकार देते ऐसे मोर से का गलती हो गए भारत के चलो वाला बाहर वाला बात से पता चलते। अभी तो मैं पाँव बरत रहे हूँ माँ तब ले मोर पर भड़क के मूर्ति से का गलती हो है जेकर से तेरे बाबूजी मोर से ते कुछ सारे थे। तोर कोनो गलती नो है बेटा असल में तुहार दोनों भाई के गुस्सा ला तोर ऊपर उतारा थे। एक तो राम पहले ले हमला छोड़ के चल दिस ऊपर ले फारन में हमर दुर्गति देख के ओकर तोहर ऊपर ले विश्वास उठ के है बेटा बोला लगते तहू हमला छोड़ के चल देबे। कसो मायावती परदेश ले देखा था तोर खांसी बाढ़ते जाते कैसे करबे राम के बाबू चढ़ती बेरा में तो दुनिया भर के रोग लगे रहते। अब ऐसा काबर गोठिया था वो शहर के कोनो बड़े डॉक्टर ला देखाबो तोर खांसी जल्दी ठीक हो जाही। कैसे जी एक छन बात ला पूछो काए तुमन तो मला हमेशा राम के दाई बुलात रहे हो फिर आजकल कैसे वो नाम धरेल शुरू कर दे हो। अब तक काकरो दाई भाई नो हस मैं बतियस मोर
मायावती। मामी मामी मुझे कार्टून चैनल देखना है, कार्टून चैनल दिखाओ। देखता नहीं, मैं सीरियल देख रही हूँ, चलता कैसे? नहीं नहीं मुझे कार्टून देखना है। कार्टून देखना है तो जाकर अपने बाप की शक्ल देख। भिखारी को घर में क्या बुला लिया, मालिक बन बैठा। भाभी तुम्हें शर्म नहीं आती बच्चे से ऐसी बात करते हुए? और तुम होती कौन है मेरे पति को उल्टा सीधा कहने वाली? तो इसमें मैंने गलत क्या कह दिया? तुमसे शादी से पहले उसकी औकात क्या थी ये तो सारी दुनिया को पता है। जवान संभाल कर भाभी, तुम मेरे पति की बेइज्जती कर रही हो। अरे बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। अगर वो इतना गैरत वाला होता तो इस ऐशो आराम को ठोकर मार देता, दूसरों के टुकड़ों पर नहीं पड़ता। शट अप, यू शट अप, यू इडियट। डॉक्टर मोनू ठीक तो है ना? नहीं, मोनू की हालत बहुत गंभीर है, उसे ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। उसका ब्लड ए बी नेगेटिव है। आप में से किसी का ब्लड है ए बी नेगेटिव? दिक्कत यह है कि यह बहुत रेयर ग्रुप है और हमारे बैंक में अवेलेबल नहीं है। आप कहीं से भी एक बॉटल ब्लड का इंतजाम जल्दी से करिए, नहीं तो उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये देख अब तक दवाई लिखे तो खांसी पर, ओखर बाद फिर बला है। भैया के खून है बी नेगेटिव और बाबूजी के खून है ए बी नेगेटिव। बाबूजी, 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 बाबूजी तो नाती के सिर फूट गए बाबूजी। ओ डॉक्टर कहते बोला ए बी नेगेटिव ग्रुप के खून चढ़ाया लगी बाबूजी। ओ ए बी नेगेटिव ग्रुप कहीं नहीं मिला थे बाबूजी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जाके तोर ससुरला बता। आपके खून भी ए बी नेगेटिव है बाबूजी, अपन नाती के जान बचा लो बाबूजी। मोर नाती? वो कब ले मोर नाती हो गए रे? कैसे बात करो तो बाबूजी, मैं आपके लड़का तो नाती नहीं हुई का? अच्छा अच्छा, वही ना जेखर तय मोला छट्टी के न्योता दे बर भुला गए रहे। तय मोर बेटा होते तो तोर माँ बाप जिया थे कि मरा थे देकर खबर रखते। जाओ राम बाबू, गणेश राम हा आजकल फोकट मकाम करेला बंद कर दे। बोला माफ कर दो बाबू जी, मोर गलती के सजा अपन नाती ला जान दो। ऐसे बात है ता सुन, तोर बेटा ला खून दे के मैं 10,000 रुपया लू नकद। रुको, पहली मोला पैसा दो फिर खून चढ़ाऊ। भगवान ले मोर नाती के जिंदगी भर दुआ मांगाओ। दाई ददा के हृदय हा सागर मा पानी जतका है, छाती चीर के देख ले बेटा तोर बर पीरा कतका है। जेन फूल पान हा पेड़ भुलाही, जेन पेड़ जरला भूल जाही, लिल हर हो ही ओ बिरवाहा ना पर धरे न भूल पाही। पेड़ कभू तो मरे नहीं जी, जहाँ रखते छापला, सुख मा दुख मा कभू कभू तुम छन बोलो मा बापला। सोनी, सोनी क्या है यार, मेरे शेयर के डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? मिल नहीं रहे हैं। मम्मी के ड्रॉयर में होंगे, देख लो। ओके।
ये लेटर साहब के ड्रॉअर में कहाँ से आए? मुझे क्या पता? सच सच बताइए, ये लेटर साहब ने छुपाए थे ना वहाँ पे? What nonsense! मुझे क्या जरूरत थी तुम्हारे पिताजी के लेटर छुपाने की? फिर आपको कैसे मालूम कि ये लेटर्स पिताजी के हैं? आपकी खामोशी बता रही है कि ये लेटर्स आपने जानबूझकर छुपाए थे। मेरे ही घर में रहकर मुझे आंखें दिखाते हो? मुझे इस तरह की फालतू बकवास सुनने की आदत नहीं है। आप इसे बकवास कह रही हैं? इन चिट्ठियों से साफ जाहिर है कि कैसे पिताजी मुझे जमीन जायदाद बेच बेच कर पैसे भेजते रहे, और आप है कि इन चिट्ठियों को मुझ तक पहुँचने ही नहीं दिया ताकि मेरे और मेरे घर वालों के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी हो जाए। आज आपकी वजह से मैंने अपने देवता जैसे माँ बाप को खो दिया, और इसे आप बकवास कह रही हैं? मामा, मेरी इस गलती के लिए शायद मेरे माँ बाप मुझे माफ कर दें, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कितनी कितनी नीच और गिरी हुई हरकत की है आप लोगों ने। स्टॉप इट मिस्टर सोहन, मत भूलो कि तुम मेरी माँ से बात कर रहे हो। अभी मोर जांगर चला थे बेटा, तुहर मन के कोई जरूरत नहीं है, चल हट यहाँ ले। अरे तोला हट के हो ना, कैसे रे तोला मोर बात समझ में नहीं आते का? चल हट यहाँ ले साले घिखर। साले घिखर कहीं के नहीं तो, चल रे। हाँ रे, हाँ रे। तोला नांगर लाने पर कौन की हिस्से आए? हट वहां ले साले, नहीं तो छोड़ के हो ना। तोला के बार समझाया, तोला समझ नहीं आते कब? हट इधर ही। बे कुटहा साले हट बे। के खर साले। का करो रे एकर? साले हगरा जरे मोला तोर से बहुत जरूरी बात करना है। लेकिन मोला तोर से कोई बात नहीं करना है। किशन, मोर बात ले सुन। कुछ दिन ले देखा था ते मोरले दुरिया दुरिया भागत हस, तोला कुछ पता है? घर में मोर बिहाव की तैयारी चलत है। तब मोला खबर बता थस जी तोर बिहाव लगत है, कर ले। किशन, ते कहा था से बात ला? हाँ, मैं कहा था तोर मोर मिल कभी नहीं हो सके। तोर बाप और मोर बाप के जन्मजात के दुश्मनी है, और मैं अपन बाबूजी बहुत अच्छा से जानता हूँ। वो मरते मर जाए फिर हम दोनों के रिश्ता कभी मंजूर नहीं करी चंदा। किशन, मोला समझे की कोशिश कर, मोर घर की हालत बहुत खराब है। राम भैया और सोहन भैया के घर ले जाए के बाबूजी बहुत दुख पहुंचे। अब दुनिया इतिले होती हो जाए फिर मैं अपन बाबूजी ले दुख नहीं पहुंचा सकूं। तमुल भूल जा चंदा। किशन, चला रे, हे, चला रे।
अरे घुनघुट्टी, ये गैंदुक घर में कोनो मरमुरा के कारे अत्ते सामान भर के जाते? ताय कैसे बात करता जी, ताय बिहाव घर ला मारनी घर बना दे। बिहाव घर का घर बिहाव रे? तोला पता नहीं है का आज ओकर बेटी चंदा के बिहाव है का? हां अरे जल्दी जल्दी करो रे, किशन रोज खेत के रखवारी करे बर आते आते थोई। अरे आज कहां ले आई, चंदा के बिहाव होते पड़े हो इस साले कोनो कोंटा मुड़ी धरे। साले ने खुद खाई नमोला खान दिस। आज एकर खेत के मेल हाथ का फोड़ दो कि एकर खेत में एक बूंद पानी झन बाचे साले के। कौन है रे, का करो तुम्हें? अभी जल्दी फोड़ रहे भी मेला, जल्दी फोड़ रहे भी। अरे मेला काबर फोड़ो तुम्हें? किसान एक कदम भी हो आगे बढ़ावे ना तो हाथ को लटोड़ के ही चेच कर दे। देख बनवारी, अगर आज मोर खेत ले एक बूंद भी पानी बाहर गिस ना तो मैं तुहर मन के खून ले पूरा खेत ला पलो दू। संकल्पम श्री मन महा गणाधिपत्याय नमः। ओम भैष्यते रत्न पत्न्या वहौ रात्रौ बर्हित्रण्या प्रूपम सौः व्याप्तम् मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष। श्री प्रथा रत्नाथाय नमस्ते विश्वकर्मणे विश्वस्वरूपाय देवाय रुणाय नमस्तुते। दिव्यामं प्रथमं पुरुषस्य चंदा जहर खा ले। Huh?
तो टूरी कैसे है जी? इलाज चला थे। तो टूरा कैसे है जी? इलाज चला थे। गांव के टूरा मन बता दे हैं किशन और चंदा के चक्कर है, सब बो बराती भगा गए है। चंदा के बापू चंदा ला होश आ गए है। सो जा बेटी, सो जा, सो जा बेटी। अरे इतनी होती झंडे, सो जा। सब ठीक हो जाएगी बाबा, ये दवाई ले आना। किशन के बाबू, किशन ला होश आ गए। ज्यादा हाल डोल छन बेटा, सूच जा रे। अरे हिल भी छन, आराम से सूच जा। अरे सूच के होने पर बहाते तुरा बीमार है, कैसे डाटा था तुमन? वाह डाटो हूँ नहीं, एक तो बीमार है और टूरिल देखा थे। ले कहीं नहीं हुए, बने टूरी है, हमार गांव के है, हमार जात सगा है। वाह तैका देखा था पे सूच। तय सोचा थोबे ये आदमी कभू मोर दुकान में झांके पर नहीं आईस, फिर आज कैसे आ गई ये दुनिया मा? मोर एक ठन बेटा है मोर किशन, वो मोर खुशी पर अपन हर सुख ला त्याग दीस और ये साबित कर दीस कि वही मोर सच्चा औलाद है। अब मोर बारी है, अब मोला साबित करना है कि मैं होकर बाप आऊं। मैं अपन बेटा पर तोर बेटी के हाथ मांगे पर आया हूं। अब तय चाहे तो मोर बेइज्जती कर, मोला पनीज पनी मार, फिर रिश्ता ला झन ठुकरा। चंदा के दाई काय का बात है? सगा मनाए है, पानी वानी लान हो। ले अभी रे संधि भेंट कर डारे, तभी हाँ मैं का करूं। जिनकी भर के कमाई ला तो ले डरे, अब का ले बराए? ये घर के सुख शांति और मान मर्यादा ला तो पहले ही बेच खाए, अब का बेचे बराए हो? कहो तुमन हमन पर तरस खा के तो नहीं आए हो? तक कान खोल के सुन ले, हमन अपन छोटे से परिवार में बड़ खुश हन। ये भी हो सकत है कि तुमन अपन गलती ले पछता के आए हो, फिर ये घर में रहे बराए हो, फिर आपस में झगड़ा करे बराए हो, फिर अपन बाबूजी ला दुख पहुंचाए बराए हो, फिर वापस जाए बराए हो। तो जौन गाड़ी में बैठ के आए हो वही गाड़ी में बैठ के वापस चले जाओ। दीदी आप लोग अंदर चलिए, आप दोनों शायद माँ की बात से डर रही हैं। माँ आप लोगों से नाराज नहीं है, वो तो अपने बेटों से नाराज हैं। उन्हें मना कर रही है अंदर आने से, आप लोगों को नहीं। आप दोनों इस घर की बहू हैं, आप दोनों का इस घर पर पूरा अधिकार है, इस घर में आने से आप दोनों को कौन रोक सकता है? चलिए चलिए ना दीदी, चलो बेटा चलो 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 चलो। चलो बेटा चलिए दीदी। <laughs>
मैं लड़का मन पर फटाका लेके आता हूँ। सिरजन करते पालन करते कम करते संताप ला, सिरजन करते पालन करते कम करते संताप ला, सुख माँ दुख माँ कबू कहू तुम छन भूलो माँ बाप ला। जानो पूत बनाओ तुम भगीरथ जैसे गंगा भुइया माला नौ, सौजन बेटा रहिस है कौरव गिनती भर गिनवावत है, एक झन सरवन दाई ददाला कांवर मोह जारत है, तीरथ बरत इखरे चरणन मा पावव पुन परताप ला, सुख मा दुख मा कबू कबू